गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है बोरिक एसिड के हवाले से। ठीक है, जो लास्ट मेरी वीडियो थी वो बोरेक्स के हवाले से थी, और आज हम बोरिक एसिड को डिस्कस करेंगे कि बोरिक एसिड हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ना बोरिक एसिड किस किस टाइप्स के होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले होता है ऑर्थोबोरिक एसिड, जो कि है H3BO3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है मेटाबोरिक एसिड, जो कि हमारे पास होता है HBO2। नेक्स्ट हमारे पास होता है टेट्राबोरिक एसिड, जो कि हमारे पास होता है H2B4O7। नेक्स्ट हमारे पास होता है पाइरोबोरिक एसिड, जो कि हमारे पास होता है H6B4O9। ठीक है, तो ये हमारे पास ना बोरिक एसिड्स की क्या हैं, टाइप्स हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है ना, वो होता है ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, तो आज हम जिस एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे वो कौन सा एसिड है, ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या है, H3BO3। सबसे पहले हम इसकी नेचर के हवाले से बात कर लेते हैं कि ऑर्थोबोरिक एसिड हमारे पास ना नेचर वाइज किस तरह का होता है। इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल सब्सटेंस। ये वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर में ये बहुत ही मुश्किल से सॉल्युबल होता है, यानी कि हमारे पास ये सिर्फ 6% डिसॉल्व होगा एट 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बट इट इज रेडिली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में कितना सॉल्युबल है, 37% एट 107 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारे पास ये इसकी सॉल्युबिलिटी की परसेंटेज है कि ये 40 डिग्री सेल्सियस पे कितना सॉल्युबल है, सिर्फ 0.6%, और 107 डिग्री सेल्सियस पे कितना सॉल्युबल है, 37%। ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है। दिस वेरिएशन इन टेम्परेचर forms the basis of its separation and purification। जो हमारे पास बोरिक एसिड की जो टेम्परेचर वेरिएशन की प्रॉपर्टी है ना, कि इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो जाती है, तो इसी वजह से, यानी इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से ना, हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं और इसकी प्योरिफिकेशन भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है, बेनिफिशियल है। अब नेचर हमारे पास, हमें पता चल गई कि ऑर्थोबोरिक एसिड की क्या होती है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम इसे प्रिपेयर किस तरह कर सकते हैं।
अब हमारे पास आ जाती है इसकी प्रेपरेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम कॉलिमनाइट. कॉलिमनाइट आपको पता है किसका मिनरल ओर है? बोरॉन का ही मिनरल ओर है, जिसे हम कैल्शियम बोरेट भी कहते हैं. द कॉलिमनाइट इज मिक्स्ड इन बॉइलिंग वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड is passed through it. Boric acid crystallizes out and CaSO3 remains in the solution. तो अब जब हम कॉलिमनाइट के साथ SO2 का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, बोरिक एसिड जो है वो क्रिस्टलाइज होके सेपरेट हो जाता है और पीछे जो बाय प्रोडक्ट बचती है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट बचती है. तो हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं. Ca2 B6O11 प्लस SO2 प्लस वाटर, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, H3BO3 प्लस CaSO3. ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं. तो हमारे पास ये हो जाएगा 4H3PO3, ये हो जाएगा 2CaSO3, ये हमारे पास 2SO2 हो जाएगा, और ये हमारे पास जो वाटर है वो कितना आ जाएगा, 6H2O. ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. नेक्स्ट हमारे पास जो प्रेपरेशन मेथड है वो क्या है, फ्रॉम बोरेक्स. अगर हम बोरेक्स को यूज करें तो हम किस तरह उसे यूज करेंगे, बोरिक एसिड की प्रेपरेशन में हम देख लेते हैं. द बोरेक्स इज ट्रीटेड विद कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस बोरिक एसिड. ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन क्या आ जाएगा, Na2B4O7 प्लस H2SO4 प्लस 5H2O. तो हमारे पास जो चीज बनेगी वो क्या होगी, Na2SO3 प्लस 4H3BO3. ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड है. सोडियम हमारे पास 2 है, सल्फर हमारे पास 1 है, और ऑक्सीजन भी हमारे पास कितने हैं, 12 और 3 15, 7 और 4 11. तो हमारे पास इधर 2NaSO3 आएगा और इधर भी हमारे पास, अब ठीक है, Na2SO3 और 4H3PO3. ठीक है, ये हमारे पास जो इक्वेशन है ना वो सही है बिल्कुल. ठीक है, तो अब हमारे पास ये मेथड्स हो गए कि इससे, इन मेथड्स से हम किसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बोरिक एसिड को. नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ना बोरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं. ठीक है, या उसके केमिकल रिएक्शंस क्या क्या हैं.
तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसका रिएक्शन है विद एथेनॉल, रिएक्शन विद एथेनॉल, बोरिक एसिड रिएक्ट्स विद एथेनॉल टू प्रोड्यूस इथाइल बोरेट। ठीक है, तो अब हम रिएक्शन एक दफा देख लेते हैं। H3BO3 प्लस 2C2H5OH, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, C2H5 thrice BO3 प्लस हमारे पास प्रोड्यूस होगा वाटर, टेन और वन इलेवन, इलेवन। तो हमारे पास इधर आएगा 6H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन विद एथेनॉल हो गया कि बोरिक एसिड हमारे पास जब एथेनॉल के साथ रिएक्शन देता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इथाइल बोरेट प्रोड्यूस करता है, जो कि ये हमने इधर लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास इसका रिएक्शन है रिएक्शन विद कॉस्टिक सोडा, बोरिक एसिड पार्शियली न्यूट्रलाइज कॉस्टिक सोडा एंड प्रोड्यूस बोरेक्स। अब हमारे पास बोरिक एसिड जो है वो कॉस्टिक सोडा के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, बोरेक्स प्रोड्यूस करेगा। H3BO3 प्लस NaOH, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, Na2B4O7 प्लस हमारे पास प्रोड्यूस होगा वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद सोडा एश, सोडा एश के साथ भी जब बोरिक एसिड रिएक्शन देता है तो वो बोरेक्स ही प्रोड्यूस करता है। बोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडा एश टू प्रोड्यूस बोरेक्स। तो H3BO3 Na2CO3, तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, Na2B4O7 प्लस CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, तो हमारे पास Na2B4O7 बोरेक्स प्रोड्यूस होगा, साथ CO2 प्रोड्यूस होगी और वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका रिएक्शन आ जाता है आयोनाइजेशन, बोरिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड एंड आयोनाइज टू अ लिमिटेड एक्सटेंट एज मोनोबेसिक एसिड,
जब भी बोरिक एसिड को हम वाटर में ऐड करते हैं ना आयोनाइज होने के लिए, तो वो बहुत ही कम हद तक आयोनाइज होता है और मोनोबेसिक एसिड प्रोड्यूस करता है। किस तरह हम देख लेते हैं, H3BO3 प्लस वाटर के साथ अगर इसे हम रिएक्ट करें तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, एक हमारे पास बोरेट आयन प्रोड्यूस हुआ है, साथ H+ प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो इधर हमारे पास ये वाला जो आयन है ना, ये क्या है, अब हमारे पास जो बोरिक एसिड है वो मोनोबेसिक एसिड है, कि वो हमारे पास ना क्या प्रोड्यूस करता है, एक हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, मोनोबेसिक एसिड है, यानी कि वो एक ही दफा क्या देगा हमारे पास, हाइड्रोजन देगा, ठीक है, क्योंकि ये एसिड है तो इसने हाइड्रोजन देनी है। तो हमारे पास जो है ना मोनोबेसिक, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक हाइड्रोजन देता है और उसी के साथ अगर उसने बेस के साथ रिएक्ट करना होता है तब वो जाके उसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी आयोनाइजेशन के हवाले से बात हो गई। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास आ जाती है प्रोडक्शन ऑफ मेटाबोलिक एसिड। प्रोडक्शन ऑफ मेटाबोरिक एसिड, व्हेन स्ट्रॉन्गली हीटेड बोरिक एसिड प्रोड्यूसेस मेटाबोरिक एसिड, देन टेट्राबोरिक एसिड एंड एट लास्ट बोरिक एनहाइड्राइड। अगर हम बोरिक एसिड को ना स्ट्रॉन्गली हीट करें तो ये तीन तरह के कंपोनेंट्स देता है। किस तरह, जैसे अगर मैंने H3BO3 को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया है तो मेरे पास प्रोड्यूस हो जाएगा मेटाबोरिक एसिड साथ वाटर, ठीक है। उसके बाद फिर जब मैं मेटाबोरिक एसिड को किस पे हीट करूंगी, 140 डिग्री सेल्सियस में, मैं टेम्परेचर बढ़ाती जा रही हूँ, तो क्या मेरे पास प्रोड्यूस हो जाएगा H2B4O7 टेट्राबोरिक एसिड साथ वाटर, ठीक है। अगर मैं अब H2B4O7 को हीट करूं रेड हॉट तक, यानी इतना हीट करूं कि वो रेड हॉट हो जाए, तो मेरे पास क्या प्रोड्यूस होगा, बोरिक एनहाइड्राइड प्रोड्यूस होगा, साथ मेरे पास वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इस तरह टेम्परेचर इंक्रीज करते रहने से हमारे पास जो बोरिक एसिड है वो डिफरेंट कंपाउंड्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है टाइट्रेशन विद अल्कलीज। बोरिक एसिड does not titrate any alkali but in the presence of glycerol it can be titrated against a standard alkali
यूजिंग फिनोफ्थलीन एज एन इंडिकेटर. हमारे पास जो बोरिक एसिड होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा वीक एसिड होता है, ठीक है. तो वो उसको जब भी हम टाइट्रेशन करवाते हैं ना किसी अल्कली के साथ, तो वो टाइट्रेशन देता ही नहीं है, रिजल्ट ही नहीं आता हमारे पास, हमें एंड पॉइंट ही नहीं नजर आता. तो उसकी जो हमारे पास उसकी स्ट्रेंथ है ना बोरिक एसिड की, उसे इंक्रीज करने के लिए हम उसके अंदर ग्लाइसिरोल को ऐड करते हैं. जब उसके अंदर हम ग्लाइसिरोल को ऐड करते हैं, तो बोरिक एसिड वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो टाइट्रेशन जो है वो अच्छे से कर लेता है. तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि टाइट्रेशन अल्कलीज के साथ नहीं देता, लेकिन ग्लाइसिरोल की प्रेजेंस में देता है. नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है, वो हमारे पास आ जाती है इसकी, इसका स्ट्रक्चर. बोरिक एसिड इज अ वाइट लस्ट्रस, लस्ट्रस का मीनिंग होता है कि चमकदार, कि चमकता हुआ सॉलिड होता है ये. लस्ट्रस क्रिस्टलाइन सॉलिड विद अ सॉफ्ट सोपी टच. ठीक है, तो इसका एक लस्ट्रस क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये वाइट कलर का, और इसका सॉफ्ट सोपी टच है. और ये भी ऑर्थोबोरिक एसिड की तरह कोल्ड वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, और हॉट वाटर में बहुत ही अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, वो हमारे पास है वोलाटाइल. बोरिक्स जो बोरिक एसिड जो है वो क्या है, वोलाटाइल भी है नेचर में. बोरिक एसिड इज वोलाटाइल इन स्टीम. अगर इसको स्टीम में रखा जाए तो ये काफी ज्यादा क्या है, वोलाटाइल है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी प्रॉपर्टी, नो रिएक्शन विद मिथाइल ऑरेंज. अब जैसे कि आपको पता है कि बोरिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है, तो जब भी मिथाइल ऑरेंज को उसके साथ ट्रीट करवाया जाता है, मिथाइल ऑरेंज बेसिकली ना एक बेसिक इंडिकेटर है, ठीक है. तो जब एसिड्स को उसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है ना, तो उसका कलर चेंज हो जाता है. सो बोरिक एसिड डज नॉट चेंज कलर, चेंज कलर विद मिथाइल ऑरेंज. क्योंकि ये वीक एसिड है ना, तो इसलिए ये मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ अपना कलर चेंज नहीं करता. ठीक है, तो ये आपके पास बोरिक एसिड की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो हमने डिस्कस कर ली. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसके यूजेस. बोरिक एसिड जो है वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बोरिक एसिड यूज होता है एंटीसेप्टिक इन मेडिसिंस में. मेडिसिंस में जो एंटीसेप्टिक मेडिसिंस होती है ना, उनके अंदर बोरिक एसिड काफी ज्यादा यूज किया जाता है. सेकंड हमारे पास बोरिक एसिड यूज होता है आई वॉश के तौर पे. ठीक है, जितने भी हमारे पास डस्टिंग पाउडर्स हैं, बोरिक ऑइंटमेंट्स हैं, वो क्या है, आई वॉश के तौर पे यूज हो सकती हैं. नेक्स्ट हमारे पास बोरिक एसिड जो है वो पोटरी में यूज हो सकता है फॉर बोरेट ग्लेजेस, बोरेट ग्लेजेस बनाने में. ठीक है, पोटरी के अंदर जो ग्लेजेस प्रोड्यूस होते हैं ना, उनको प्रोड्यूस करने में बोरिक एसिड काफी ज्यादा हेल्प करता है. उसके बाद कैंडल इंडस्ट्री में फॉर स्टिफनिंग ऑफ विक्स,
जो कैंडल की विक होती है ना, जो जिसके ऊपर हम फ्लेम लगाते हैं उसे विक कहते हैं ना, तो उसको स्टिफ करने के लिए, उसको हार्ड करने के लिए ना, उसके ऊपर बोरिक एसिड लगाया जाता है ताकि वो जो है वो सॉफ्ट ना रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास ना बोरिक एसिड के यूजेस हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर ज़रूर करें मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएंगे आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।